राम जी का बुलावा आया है, अयोध्या जाना है राम मंदिर बनाने। पत्थर रे जीवन देवार कथा से ओडिया भाषा को मन पका जाए। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं श्री प्रफुल्ल कुमार पटनायक से, जो कि राउरकेला के छिंड कॉलोनी के निवासी हैं और एलेंटिक कंस्ट्रक्शन के ईएचएस डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। फिलहाल वो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। वेलकम टू टीआईटीएन राउरकेला। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आप अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं? ये तो एक सौभाग्य की बात है, कैसा मौका मिले हमें मतलब ऐसे भगवान के सर्विस करने के लिए। काफी दिन से एक्चुअली हम लोग तो वैसे जगन्नाथ जी से जुड़े हुए हैं बचपन से ही। मेरे फादर जो थे राउरकेला सेक्टर 3 जगन्नाथ टेम्पल में जो है वो सेक्रेटरी रहे काफी लगभग मोर देन 30-40 ईयर्स। तो अब जगन्नाथ जी से जो जुड़ा हुआ है वो राम जी से और कृष्ण जी से ऑब्वियसली जुड़ा हुआ होता है। अब इसी वजह से चाहे मेरा कर्म के फल हो या हमारे कुछ गुड वर्क हो जिसके वजह से ऐसा मौका मिला। सर, आपको कब पता चला कि आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है और आपकी तथा आपके परिवार की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी? जो हमारे एलएनटी के हेड हैं, ऑल इंडिया हेड ईएचएस डिपार्टमेंट, उनका कॉल आया कि भाई तुम्हें राम जी का बुलावा आया है। तो मैं पहले समझ नहीं पाया, फिर उन्होंने बताया नहीं अयोध्या जाना है राम मंदिर बनाने। तो शौक तो लगा ही उड़ीसा छोड़ के जाने का, लेकिन फिर जब मैं सारा चीज वापस रिमाइंड किया पुरी में जाना उस दिन राम जी का दर्शन होना, तो मुझे फील हुआ कि ये एक बुलावा ही है। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा। बाद में फैमिली, शुरू शुरू में फैमिली भी थोड़ा बोल रहे थे कितना दूर चले जाएंगे, लेकिन किसी के मुंह में ये नहीं था कि मत जाओ बोल के, राम जी का काम है तो जरूर जाओ बोल के। सर, अभी तक कितना प्रतिशत काम पूरा हो चुका है? हाँ, एक्चुअली अभी मोर देन 60% काम हो गया है। जो मेन टेम्पल है उसमें आपका ग्राउंड फ्लोर, एक्चुअली 3 फ्लोर आपका रहेगा, उसके बाद जो मंदिर का गुंबद वगैरह होता है वो सब होगा। अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका सीलिंग वगैरह चल रहा है। फर्स्ट फ्लोर का काम जस्ट चालू हो रहा है। फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर होने के बाद उसके बाद फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका बेस बन गया तो बाकी के काम ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर, आप हमें राम मंदिर और ओडिशा के कनेक्शन के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखो एक्चुअली जो भी मंदिर और काम और कथा आसे नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन वर्ल्ड, जो भी देखिए मंदिर तैयारी हम से ओडिया कारीगर को खोजा हुए गोटे काम से मूर्ति पर आपणकर मंदिर तैयारी कर राजस्थान कर्णाटक कर्णाटक राजस्थान अन्य जगह सब मिस्त्री मैंने आसती से मंदिर डिजाइन बनइबे फुल बनइबे पक्षी बनइबे से सब से बनइबे कि जो मंदिर मझेरे मझे जो मूर्ति सब रहे से मूर्ति सब आम केवल ओडिया लोक मैंने बनाए खोजा पड़े से आप अक्षरधाम जातु आप प्रेम मंदिर जातु जो भी जाते ओडिया जो मूर्तिकार मैंने फाइनाल टचर से मूर्ति उपरे मैंने मूर्ति मैंने पत्थर से मैंने जीवन देवार कथा से ओडिया भाषा को मन पका जाए आई स्पेशली आम ओडिया मूर्तिकार मान को डक बर्तमान से मैंने आसी जन आहरी भी आसवे आगे धीरे धीरे कम जो बढ़ी बढ़ी जीव से हिसाब से भी संख्या बढ़ो फाइनाल टचर से ही देवे। सर, आप हमें मंदिर के आर्किटेक्चर तथा उसमें यूज हो रहे टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बताएं। जी, एक्चुअली डिजाइन पार्ट में अगर हम आएंगे तो ये आपका जो मंदिर वास्तुकला होता है, 3 प्रकार के वास्तुकला जनरली इंडिया में चलता है, नागर शैली, द्राविड शैली और एक बसार शैली करके बोलते हैं। जैसे हमारा पूरी जगन्नाथ मंदिर है वो भी नागर शैली है पर तो थोड़ा सा मिक्सअप है, जैसे वो कलिंग आर्किटेक्चर में बना हुआ है। तो ये जो मंदिर बन रहा है ये भी नागर शैली है। हमारे उधर उड़ीसा में जो कलिंग आर्किटेक्चर है उसमें फ्लोरिंग मतलब लेवल अलग अलग लेवल नहीं होते, सिंगल लेवल का मंदिर बनता है। जैसे आप कोई भी उड़ीसा में मंदिर नहीं देखे होंगे जिसका फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर ऐसा होगा, लेकिन नॉर्थ इंडिया में है तो उनका जो है वो फ्लोर वाइज रहता है। नॉर्मली सेम ही है डिजाइन में आपका, जैसे जगमोहन रहता है, रंगशाला रंग मंडप रहता है, नृत्य मंडप रहता है जिसको उसके बाद भोग मंडप रहता है और गर्भगृह रहता है। तो गर्भगृह जो है जहाँ पे भगवान की स्थापना की जाएगी
और एग्जैक्टली वो प्लेस है जहाँ पे राम जन्म राम जी का जन्म हुआ था, रामलला का जन्म उसी स्थान पे हुआ था, वहाँ पे गर्भगृह बना हुआ है। और बाकी टेक्नोलॉजी के लिए हम आएंगे तो देखिए जो कॉन्क्रीट होता है, कॉन्क्रीट का लाइफ टाइम जो है मैक्सिमम 100 to 200 years होता है। आप किसी भी बिल्डिंग देख लीजिए विद इन 100 years वो उसको डैमेज होना चालू हो जाएगा और आपको उसको रिपेयरिंग वगैरह मेंटेनेंस वगैरह कंप्लीट करना पड़ेगा, रिनोवेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो मंदिर है इसका लाइफ 1000 years अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन किया गया है। तो तब तक इसमें कुछ होने वाला नहीं क्योंकि ये पत्थर से बनाया गया है। टोटली कंप्लीट मंदिर जो है आपका पत्थर से, बंसी पहाड़पुर करके एक पत्थर आता है, सैंडस्टोन है, तो सैंडस्टोन से मंदिर बन रहा है और उसमें आपका स्टील का यूज नहीं है, लोहा जो है उसमें यूज नहीं है। अगर कहीं जरूरत है तो वहां पे हम कॉपर का यूज कर रहे हैं और बाकी जो बेस है उसका वो ग्रेनाइट स्टोन, मतलब जो मेन टेम्पल है उसका टोटली एवरीथिंग इज मेड ऑफ स्टोन ऑनली, देयर इज नो कॉन्क्रीट एंड नो स्टील। मतलब परंपरा जो है, जो वास्तुकला है वो वही पुराना है और टेक्नोलॉजी बस आज के यूज हो रहा है। हम क्रेन से जल्दी काम कर रहे हैं, पहले जैसे कोणार्क मंदिर को 12 साल लग गए थे बनाने के लिए, लेकिन ये 1 साल में तैयार हो गए, 2 साल में तैयार हो रहा है। सर वहाँ काम कर रहे लोगों में मंदिर को लेकर कितना उत्साह है? यहाँ पे कोई वर्कर, कोई स्टाफ, आप किसी को भी अगर पूछ लीजिएगा तो वो राम जी के नाम पे ही आया, बस मंदिर बनाने के लिए आया है, बाकी उसको खाना मिले ना मिले या कहीं सोने को मिले ना मिले ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाई हमें मंदिर बनाना है और बना के जाना है, यही सोच लेके हर आदमी यहाँ पे काम करता है। तो जितने वर्कर्स है तो वो तो एकदम मस्त में ही काम करते हैं, भगवान के नाम पे राम नाम का जब चलता ही रहता है, जिसके मुंह से सुनिए राम नाम ही चलता रहता है। सर अब अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत लोगों का मैंने सपना, जो मैंने बहुत लोगों का बलिदान परे ये मंदिर आज वास्तविक रूप नेबाक जाउछ, सेथिपाइं आम जैसे एक्साइटेड अच्छे मंदिर बनवाप लोक एक्साइटेड अच्छे देखिया पाई, तो मंदिर निश्चित भाव में जनवरी मस कम्प्लीट हम आईपाई का आम मो तरफ मुझे अनुरोध कर सारा ओडावासी को सारा भारतवासी को एवं जी भी सारा पृथ्वी से जिते भी राम भक्त अच्छा प्रभु राम भक्त अच्छा समस्त को आंतरिकतार सह स्वागत करने चाहिए, आसतु मंदिर को देखते रामलला दर्शन करते जहाँ तृतीया जुगर तृतीया जुगर गोटे ऐतिहासिक जिनस आनुभूति साउंड नहीं आपण मैंने दर्शन करके जाते। जय श्री।